स्वादिष्ट चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को आज समाज के बारे में बताना चाहता हूं। यानी समाज क्या है, यानी समाज किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदों में प्रथम पदों की विभक्ति का लोप होकर एक शब्द बनता है तो उसे हम समाज कहते हैं। यदि शब्दों को पुनः अलग अलग कर दिया जाए, अलग कर दिया जाता है तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। समास में कम से कम दो पद होते हैं, समास में कम से कम दो पद होते हैं, एक को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। दोनों पदों को मिलाने पर जो शब्द बनता है उसको समस्त पद कहा जाता है। किसी समय में पूर्व पद प्रधान होता है तो किसी में उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद अथवा किसी में दोनों पद ही प्रधान होते हैं और किसी में दोनों पदों के अतिरिक्त अन्य पद प्रधान होता है। जैसे समास, अब समास के छह भेद होते हैं। नंबर एक द्वंद्व समास, नंबर दो द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, नंबर 3 तत्पुरुष समास, नंबर 4 दीर्घ समास, नंबर 5 अव्ययीभाव समास, नंबर 6 बहुव्रीहि समास, समास किसे कहते हैं। मन बनाया जब दो या दो से अधिक पदों की विभक्ति का लोप होकर एक शब्द बनता है तो उसे हम समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदों की विभक्ति का लोप होकर एक शब्द बनता है तो उसे हम समास कहते हैं। यदि पुनः शब्दों को अलग अलग कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। समास में कम से कम दो पद होते हैं, एक को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। दोनों पदों को मिलाने पर जो शब्द बनता है उसे समास पद कहते हैं। किसी समास में पूर्व पद प्रधान होता है तो किसी में उत्तर पद अथवा दोनों पदों में अथवा किसी में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और किसी में दोनों पदों के अतिरिक्त अन्य पद प्रधान होता है। नंबर 1 समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 द्वंद्व समास, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 तत्पुरुष समास, नंबर 4 दीर्घ समास, नंबर 5 अव्ययीभाव समास, नंबर 6 बहुव्रीहि समास। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पर आप लोगों को समाप्त कर रहा हूं। इसके बाद अगली वीडियो में इसके बारे में मैं बताऊंगा।